सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि लोग एक रील बना रहे हैं और वो रील काफ़ी ज़्यादा व्यूज बटोर भी रही है। पहले आप ये ट्रेंड देखिए। ये रील देखिए, अगर आप भी इस टाइप की रील बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस रील को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे कि आप इस तरह की रील्स कैसे बना सकते हैं आसानी से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ये जानने से पहले किस टाइप की रील्स किस तरह बनाई जाती हैं, तो उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में और आपको यहाँ से एक कोई भी वीपीएन डाउनलोड कर लेना है। आप जिस भी वीपीएन को चाहें, तो मैंने डाउनलोड किया है सुपर वीपीएन। अब जैसे ये डाउनलोड होने लगेगा, तो उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन कर कनेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको अपना कोई भी सर्च इंजन में चले जाना है, लाइक गूगल ब्राउज़र और क्रोम कोई से भी। तो मैं गूगल में चला जाता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कैपकट टेम्पलेट। अब आपको सेकंड वेबसाइट पर क्लिक करना है। जो ये वेबसाइट है, ये कैपकट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिख जाएंगे, लेकिन आपको इस तरह की रील बनाने के लिए ऊपर सर्च में सर्च करना है पीपल। आप जैसे पीपल यहाँ पर लिखेंगे, तो उसके बाद आपके पास ये टेम्पलेट आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ऑप्शन दिखेगा यूज ऑन कैपकट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा कैपकट में। अब जैसे ही आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा यूज टेम्पलेट का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको आपकी मीडिया फाइल्स दिखने लगेंगी। आपको यहां पर आपकी कोई सी भी फ़ोटो या वीडियो को चूज़ करना है। तो मैं यहां पर अपना एक फ़ोटो चूज़ करता हूं। इसे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे अच्छे से देख भी सकते हैं। और अब आपको इस वाटरमार्क को हटाने के लिए आपको ऊपर सेव बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपको टिकटॉक का आइकन दिख रहा होगा, एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपकी वीडियो सेव होने लगेगी, वो भी विदाउट वाटरमार्क के। एंड इस तरीके से आप अपनी भी बहुत सारी रील्स बना सकते हैं और उस बहुत सारे व्यूज बटोर सकते हैं। अगर आपको कुछ जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।